तरा अश्क निकले जो गमेशा में पानी फिक्र बहने लगी दरिया के रवानी की तरह फिक्र बहने दरिया के रवानी की तरह फर्श शब्बीर से किरदार बना कर उठो फर्श शब्बीर से किरदार बना कर उठो जिक्र शब्बीर न दोहराओ कहानी की तरह जिक्र शब्बीर ना दोहराओ कहानी की तरह अश्क निकले हुसैन पढ़ो ला इलाहा
فرض एक बन जनाब सकीना और दो चार बन मरसिए के जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के, जिसमें कि जनाब सकीना का जिक्र आ जाएगा। दो आप आज़ाद की इतनी जहमत है। हाँ, नारे सलवात कि हमें एक बात से बड़ा ताज्जुब होता है, मगर अब सामईन भी थक जाते हैं सुनते सुनते, कि जनाब सकीना का जब ये सोज हम पढ़ते हैं तो रिक्कत क्यों नहीं तारी होती, इसका सबब आज तक हमें नहीं समझ आया। हालांकि ये सोज जनाब सकीना का ऐसा है कि जिस पर हम खुद वो हो जाते हैं। बहरहाल आप हजार की तवज्जो शर्त है, अल्लाह फरमाइए बारे दिगर नारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब दागे बे सकीना उठा सकी जब दागे बे कसीना सकीना उठा सकी और दर्द दिल ना खौफ के मारे सुना सकी और दर्द दिल ना खौफ के मारे सुना सकी खाए तमाचे चिमर के जब तक खा सकी खाए तमाचे चिमर के जब तक खा सकी सिन कम था दुख ज्यादा न बर्दाश्त ला सकी सिन कम था दुख ज्यादा बर्दाश्त ला सकी रोई तो जालिमों ने जफा बेशुमार की आखिर ये जबर दे के मौत इख्तियार की आखिर ये जबर दे के मौत इख्तियार की जब दाग दे फातिहा। Yes, sir.
थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ जाएगा क्या? असल में मुसलसल पढ़ने की वजह से आवाज़ गिरता हो गई है बिल्कुल, मगर हिम्मत कर रहे हैं, मौला मदद करने वाले हैं भाई, जिनका जिक्र है। अशर भाई दो तीन चार बंद हैं, दादा की मान लीजिए आप। शोर है शाम के लश्कर में के अब्बास आए, शोर है शाम के लश्कर में के अब्बास आए, और तवातुर खबर आई के बहुत पास आए, पर गमेशाए शहीदा में बसदिया साए, बोली तकदीर कि ये जंग मेरा साए, बोली तकदीर कि ये जंग मेरा साए, बाण के घोड़े के शजात ने कदम चूम लिए, और हर गोशे ने दामाने अलम चूम लिए, और हर गोशे ने दामाने अलम चूम लिए। हाँ नहर पर जाते हैं लड़ते हुए अब्बास जरी, गिर्द दो लाख का लश्कर तने तनहा वो जरी, दर पर खैमे के हैं थामे हुए दिल सिबते नबी, आलम अहमद मुख्तार से आंखें हैं लड़ी, है ये मतलब कि आलम से जो नजर मिलती रहे, भाई जिंदा है ये भाई को खबर मिलती रहे, है ये मतलब कि अलम से जो नजर मिलती रहे, भाई जिंदा है ये भाई को खबर मिलती रहे, भाई जिंदा है ये भाई को खबर मिलती रहे। हाँ रास कब करता है बढ़ बढ़ के जो हमले सबदल, करवटे दोष पर लेता है निशाने लश्कर, इस तरफ भाई की है भाई के परचम पर नजर, हाल ये देख के शहदे तेरा डोको खबर, हाल ये देख के शहदे तेरा डोको खबर, भर के मशकीदा जो दरिया से फिरे है अब्बास, बेतरान हर गए आदा में गिरे है अब्बास, बेतरान हर गए आदा में गिरे है अब्बास। हाँ
भूखे प्यासे अथवा और दुआ के लिए सैदानियों ने खोले बार, जिस घड़ी देखा सकीना ले ये माँ बहनों का आके दरवाजे पर चिल्लाई सुए दस्ते कतार, अम्मू बेवजह भतीजी को ये वसवास नहीं, फेंक दो मश्क चले आओ हमें प्यार। अम्मू बेवजह भतीजी को ये वसवास नहीं, फेंक दो मश्क चले आओ हमें प्यास नहीं, फेंक दो मश्क चले आओ हमें प्यास नहीं। हाँ के फिजा ने दिया खैमा इस्मत में खबर, बीबियों रोते हैं चाहे जो सरापी के सल, लो सुनो कान लगा कर वो बजा तबले जफल, सर निगू हो गया दरिया पर निशाने लश्कर, सबकी ताराजियों बर्बादियों का ढंग हुआ, कत्ल अब्बास हुए खातिमे जंग, कत्ल अब्बास हुए खातिमे जंग हुआ। हाँ जब हुई जौजे अब्बास को इस गम की खबर, झुक गई शुक्र के सजदे में वो तपती दजगल, अपने मासूम से फिर बोली किए नूरे नजर, लेके मैदान में तुम ही जाओ निशाने लश्कर, लेके मैदान में तुम ही जाओ निशाने लश्कर, सुनती हूँ कत्ल हुआ रल में अलमदारे हुसे, तुम हो फर्जंद बनो तुम ही मददगारे हुसे, तुम हो फर्जंद बनो तुम ही मददगारे हुसे। बस आखी बन हाँ जिस घड़ी मादरे दिल गश्ताने से बातें ये सुनी, जिस घड़ी मादरे दिल गश्ता से बातें ये सुनी, आया दौड़ा हुआ मासूम सकीना के करी, हाथों को जोड़ के बोला वो यतीमो गमगी, आका जादी मेरी अब प्यासे घबराए। हाथों को जोड़ के बोला वो यतीमो गमगी, आकाजादी मेरी अब प्यासे घबराए नहीं, पानी मैं लाऊंगा मस्जिदे को दिलवा दी, पानी मैं लाऊंगा मस्जिदे को दिलवा दीजे, चल के अम्मू
दिलवा दीजे चल के अम्बू से अलम बाप का दिलवा दीजे चल के अम्बू से अलम बाप का दिलवा दीजे शोर है शाम के कबला पे चिपले सलवात भी मोहम्मद वाले मोहम्मद हजरत हमारे भी जनाब अफसर दतियावी साहब थे तीन शायर उसके बाद मौलाना मौसूद तशरीफ रखते हैं। मैं अपने बुजुर्ग शायर जनाब मौसूद साहब को चार मिसरे इनके इस्तकबाल में एक सलवात भी मोहम्मद वाले मोहम्मद कि फिर से जाहिर हैदरे करार होना चाहिए, फिर से जाहिर हैदरे करार होना चाहिए, अब मेरे मौला तेरा दीदार होना चाहिए, फिर से जाहिर हैदरे करार होना चाहिए, अब मेरे मौला तेरा दीदार होना चाहिए। कातले शब्बीर की गर्दन उड़ाना बाद में, कातले शब्बीर की गर्दन उड़ाना बाद में, सलवात भेजिए मोहम्मद अली। अशर भाई तशरीफ ले आइए, आइए मैं गुजारिश गुजार हूँ। बिना दलील के दावा फजूल होता है, बिना दलील के दावा फजूल होता है, और जो सच्चे हैं सनद दे के बात करते हैं। बिना दलील के दावा फजूल होता है, जो सच्चे हैं सनद दे के बात करते हैं। और सिना की नोक पर शब्बीर ने पढ़ा कुरान, सिना की नोक पर शब्बीर ने पढ़ा कुरान, बुलंद लोग बुलंदी से बात करते हैं। सिना की नोक पर शब्बीर ने पढ़ा कुरान, सिना की नोक पर शब्बीर ने पढ़ा कुरान, बुलंद लोग बुलंदी से बात करते हैं। चार मिसरे आंसू के, जिन आँखों में गमे शाह के आंसू नहीं उगते, जिन आँखों में गमे शाह के आंसू नहीं उगते, उन आँखों से दामन जहरा नहीं छूता, और बीनाई बढ़ाते हैं गमे शाह के आंसू, मजलिस में जो रोता है वो अंधा नहीं होता। बीनाई बढ़ाते हैं गमे शाह के आंसू, बीनाई जिन आँखों में गमे शाह के आंसू नहीं उगते, उन आँखों से दामन जहरा नहीं छूता, और बीनाई बढ़ाते हैं गमे शाह के आंसू, और जिना बीनाई बढ़ाते हैं गमे शाह के आंसू, मजलिस में जो रोता है वो अंधा नहीं। आज़ादार को तो मैंने अंधा कभी देखा ही नहीं, आज तक इतनी उम्र हो गई। एक मतलब दो तीन शेर, ये हमारा मुल्क आज खुशियाँ मना रहा है, मगर हम लोग इमाम हुसैन का कम मना रहे। एक मतलब समाज फरमाए, है आज़ादी ये यूँ मातम हो रहा है, आज़ादी यूँ मातम हो रहा है, वो मेरा हिंदुस्तान मुल्क आज़ा है, आज़ादी यूँ मातम हो रहा है, मेरा हिंदुस्तान मुल्क आज़ा है, और घरों में फर्श मातम बिछ रहा है, घरों में फर्श मातम बिछ रहा है, आज़ा खाना सजाया जा रहा है,
घरों में हो सो जो मजलिस व मातम हो गिरिया यही तरतीब तहजीब अदा है। और मिशन जिंदा रहे सिप्ते नबी का हकीकत में यही रूह अदा है। मिशन जिंदा रहे सिप्ते नबी का हकीकत में यही रूह अदा है। बुझेगा ता कयामत परशे मातम बिछेगा ता कयामत परशे मातम दिले जैनब से निकली ये दुआ है। और बगैर शर्त जो चाहे वो आए गमे सरवर का दरवाज़ा खुला है। बगैर शर्त जो चाहे वो आए गमे सरवर का दरवाज़ा खुला है। गमे सरवर का दरवाज़ा खुला है। ये थे जनाब मोहसिन साहब। अशर भाई, चार मिसरे शहजादी फातिमा जहरा सलवा वाले के हवाले से अफरोज भाई देखिएगा, चार मिसरे कि बहरों की पंचायत में, बहरों की पंचायत में कुरान सुनाने आई थी, बहरों की पंचायत में कुरान सुनाने आई थी, अनपढ़ को पैगंबर की तहरीर दिखाने आई थी, अनपढ़ को पैगंबर की तहरीर दिखाने आई थी, बागे पदक की हाजत क्या थी जन्नत की शहजादी को, बागे पदक की हाजत क्या थी जन्नत की शहजादी को, वो तो अली के दुश्मन की औकात दिखाने आई थी। बागे पदक की हाजत क्या थी जन्नत की शहजादी को, वो तो अली के दुश्मन की औकात दिखाने आई थी। आइए मैं नहायत अदब एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ जनाब असद जाफरी साहब से कि वो तशरीफ लाएं, एक बुलंदतरीन नारे सलवार। मौलाना तशरीफ रखते हैं और अभी अफरोज भाई को भी पढ़ना है, लिहाजा बहुत इख्तिसार से एक मतला और चार पांच शेर हाजिर करता हूँ, मतला हाजिर करता हूँ सरकार। तूफानों में कश्ती है मेरी आके बचा ले, तूफानों में कश्ती है मेरी आके बचा ले, मौला है सफीना मेरा अब तेरे हवाले, मौला है सफीना मेरा अब तेरे हवाले। और शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास है मैं, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस नारे हैदर ही फजाओं में बसेगा, तू चाहे किसी नाम को कितना भी उछाले, बस नारे हैदर ही फजाओं में बसेगा, तू चाहे किसी नाम को कितना भी उछाले, तू चाहे किसी नाम को कितना भी उछाले। और ये भी शेर देखें, है मेरा अली मजहरे आयात का मालिक, है मेरा
मालिक वो चाहे तो डूबे हुए सूरज को बुला। है मेरा अली मज़हर आयत का मालिक वो चाहे तो डूबे हुए सूरज को बुला ले, वो चाहे तो डूबे हुए सूरज को बुला ले। और ये अकीदत का शेर हाजिर करता हूँ, तमाम मौलाइयों की नज़र करता हूँ। ले देख अली आ गए मुश्किल में हमारी, ले देख अली आ गए मुश्किल में हमारी, ले देख अली आ गए मुश्किल में हमारी, तू भी तो किसी एक को मुश्किल में बुला ले। ले देख अली आ गए मुश्किल में हमारी, तू भी तो किसी एक को मुश्किल में बुला ले, तू भी तो किसी एक को मुश्किल में बुला ले। और ये भी शेर देखें, औसाफे अली देख के क्यों जल गया मुफ्ती, औसाफे अली देख के क्यों जल गया मुफ्ती, अरे हिम्मत हो तो चौखट पे सितारे को बुला। औसाफे अली देख के क्यों जल गया मुफ्ती, हिम्मत हो तो चौखट पे सितारे को बुला ले, हिम्मत हो तो चौखट पे सितारे को बुला ले। और आखिरी शेर हाजिर करता हूँ, हैदर की अदावत तुझे जीने नहीं देगी, हैदर की अदावत तुझे जीने नहीं देगी, जा तू भी किसी गार में मुँह अपना छिपा। हैदर की अदावत तुझे जीने नहीं देगी, जा तू भी किसी गार में मुँह अपना छिपा। हैदर की अदावत तुम्हें जीने नहीं देगी, या तो भी किसी गार में मुंह अपना छिपा ले। ये थे जनाब असद जाफरी साहब, हमारे बीच तशरीफ़ रखते हैं। बस एक आखिरी शायर है, उसके बाद मौलाना मोहम्मद मिर्दाद आबदी साहब शेर कर्नाटक यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं, आप इनकी मजलिस सुनिएगा। मैं अफरोज दतियावी साहब को इस्तकबाल में, अशर भाई चार मिसरे शहज़ादी के हवाले से, जनाब फातिमा ज़हरा के हवाले से चार मिसरे समाप्त फरमाइए कि कंकर जो मुँह मेरे मुँह के निवालों में आ गए, कंकर जो मेरे मुँह के निवालों में आ गए,
सारे मुनाफिकीन ख्यालों में आ गए, कंकर जो मेरे मुंह के निवालों में आ गए, सारे मुनाफिकीन ख्यालों में आ गए, जहरा का घर जला के सितम खुद ही फंस गया, जहरा का घर जला के सितम खुद ही फंस गया, कातिल जो छुप गए थे उजालों में आ गए। जनाब अफरोज दतियावी साहब के इस्तकबाल में इन्हीं के चार मिसरे कि निजात उनको ही मिलती है पंजतन की कसम, निजात उनको ही मिलती है पंजतन की कसम, ये पांच नाम लिखे जिस कफन में रहते हैं। आइए मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब अफरोज दतियावी साहब से कि तशरीफ लाएं, एक बावादे बलन नारे सलवार। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस इख्तिसार से काम लेते हुए दो मतले और दो तीन शेर पेश खिदमत करता हूँ। पहली नज़र तशरीफ़ फरमाएं, एक सलवात भेज दें बआवाज़ बुलंद। अल्लाह पेश खिदमत है, हर अहले हक का जानेबे काबा सफ़र हुआ। क्यों हुआ? अहले हक की शर्त है, हर अहले हक का, हर अहले हक का जानेबे काबा सफ़र हुआ, मेरे अली के आने का ऐसा असर हुआ। मेरे अली के आने का ऐसा असर हुआ। और ये मतलब बतौर ख़ास पेश खिदमत कर रहा हूँ, जब हम वफादार जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े की जानिब कदमों से जा रहे हैं अपने, तो हमारे कदमों पे क्या हो रहा है देखिएगा। एक ख्याल नज़्म किया, मेरे हरे कदम पर वफा का असर हुआ। बतौर ख़ास देखेंगे, मेरे हरे कदम पर वफा का असर हुआ, करबो बला की समत जो मेरा सफ़र हुआ। करबो बला की समत जो मेरा सफ़र हुआ, और मेरी लहद में फैली इमामत की रोशनी, मेरी लहद में फैली इमामत की रोशनी, चश्मे जदन में खाके शिफा का असर हुआ। चश्मे जदन में खाके शिफा का असर हुआ, और दर पर हमारे मुश्किलें मुश्किल में फंस गईं, दर पर हमारे मुश्किलें मुश्किल में फंस गईं, नादे अली के विर्द का ऐसा असर हुआ। नादे अली के विर्द का ऐसा असर हुआ, और मैंने दुआए सैयद सज्जाद जब पढ़ी, सही फे कामला किबला, मैंने दुआए सैयद सज्जाद जब पढ़ी, मेरी दुआ में तब कहीं जाकर असर हुआ, मेरी दुआ में तब कहीं जाकर असर हुआ। और आखिरी शेर सिलसिले का कि कुरान और अहले बैत ने मुझको बचा लिया। हुजूर सरवरे कायनात की हदीस, अशर भाई, कुरान और अहले बैत ने मुझको बचा लिया, मेरा पुले सिरात से जिस दम गुजर हुआ, मेरा पुले सिरात से जिस दम गुजर हुआ। और अफरोज मुश्किलें मेरी सब खत्म हो गईं, अफरोज मुश्किलें मेरी सब खत्म हो गईं, मेरा कलाम कब्र में जब हम सफर हुआ, मेरा कलाम कब्र में जब हम सफर हुआ।
मेरा कलाम कब्र में जब हम सफ़र हुआ। आइए कबला का इस्तकबाल में सिर्फ चार मिसरे, वो भी असद जाफरी साहब के हैं, और कबला का इस्तकबाल हो जाएगा कर्नाटक के सरजमीन से ता शेर कर्नाटक जो तशरीफ लाए हुए जनाब मोहम्मद मिकदार आबदी साहब, इनके इस्तकबाल में कि जहाँ भी फातहे खैबर की बात आएगी, जहाँ भी फातहे खैबर की बात आएगी, कबला देखिएगा, जहाँ भी फातहे खैबर की बात आएगी वहाँ वहाँ पे अली का गुलाम बोलेगा। जहाँ भी फातहे खैबर की बात आएगी वहाँ वहाँ पे अली का गुलाम बोलेगा। लहद में अपने जवाबों की फिक्र आप करें, हमारे हक में हमारा इमाम बोलेगा, हमारे हक में हमारा इमाम बोलेगा। आइए असद जाफरी साहब के इस्तकबाल शेर के साथ मैं गुजारिश गुजार हूँ खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना मोहम्मद मिकदाद आबदी साहब शेर कर्नाटक रौनक के मेंबर हूँ। आप हजरात से गुजारिश है कुव्वत से ताकत से एक बुलंद तरीन नारे सलवार। नारे हैदरी, नारे सलवार, रहम अल्लाह मन यक्रा अल फातिहा। आगे कर दी أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر الرسول المصدق المصطفى الامجد حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين خصوصا صلى وسلم على صاحب دعوه النبويه الصوله الحيدريه العصمه الفاطميه الحلم الحسنيه الشجاعه الحسينيه العباده السجاديه الماسر الباقريه الآثار الجعفرية العلوم الكاظمية الحجج الرزوية الجود التقوية النقاوة النقوية الهيبة العسكرية الغيبة الإلهية ولعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم والمنحرفين عنهم والشاكين فيهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال إمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام إنا للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه جميع الشهداء صلوات مواليان مولاي كائنات
आशिकान हैदर कर्रार हुब्बदारान व शैदायान आलिम रब्बानी व मुअहिद लासानी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलात वस्सलाम व फर्श नशीं अर्श मुकाम अज़ादारान व सोगवारान सरकार हामिल लिवाए करबला हामिल रायत करबला हामिल नशान करबला परचमदार करबला अलमदार करबला हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुझे हुक्म ये दिया गया है कि जनाब अबुल फजल अब्बास के फजाइल व फवाजिल व मनाकिब पर रोशनी डाली जाए। मैं मुकदमा नहीं बांध सकता, वक्त नहीं है, मुसलसल मजलिसों का सिलसिला है, कम वक्त में ज़्यादा मारूज़ात अर्ज़ करना नहीं है। पहला जुमला मेरा नहीं, एक बहुत बड़े आलिम रब्बानी आरिफ़े इरफान विलायत अली और वफाए अब्बास का है। उन्होंने एक जुमला कहा जनाब अब्बास की फजीलत में कि अगर सारी दुनिया के रेत के जर्रे खतीब बन जाएं तब भी अबुल फजल अब्बास के फजाइल को बयान नहीं किया जा सकता। और अगर सारे समंदर के पानी से फजाइल अबुल फजल अब्बास की वरख गर्दानी की जाए तो समंदर का पानी तो ख़त्म हो सकता है, फजाइल अब्बास की किताब के औराक ख़त्म नहीं हो सकते। इसलिए कि ये हैदर सासानी हैदर है, हैदर का सानी है। मैं अहले इल्म है, शोरा है, यहाँ मुख्तलिफ़ अजला से यहाँ मौजूद हैं, गांव अलग अलग है, वतन अलग अलग है, शहर अलग अलग है, लेकिन मिजाज एक है। मिजाज या हुसैनी है या तवल्लाई है या तबर्राई है। वतन बदल सकते हैं, मिजाज नहीं बदल सकता, औराक गर्दानी की नहीं जा सकती। समंदर के मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप हजरात का कि एक आरिफ रब्बानी की इस जुमले की आपने, और चूँकि जुमला जनाब अबुल फजल अब्बास से निस्बत रखता था, उस निस्बत से उस आरिफ के जुमले की आपने क़द्रदानी की। मैं नहीं चाहता कि मेरे मौला की फजीलत को बयान न करके मैं आगे बढ़ जाऊं, वरना जनाब अबुल फजल अब्बास ख़ुद मुमकिन है नाराहत हो जाएं अगर उनकी इस मजलिस में उनके बाप अली का ज़िक्र न किया जाए। बस एक जुमला सुन लीजिए, मैं मरबूत करके अर्ज़ कर रहा हूँ। यहाँ ज़ी इल्म शोरा हजरात भी हैं, खुतबा हजरात भी हैं, अहले इल्म भी हैं, और मैं ये अर्ज़ करूँ तो गलत ना होगा, अहले फहम भी हैं, अहले अक्ल भी हैं, बड़ी महवियत से सुन भी रहे हैं। मुझे ये सारा मजमा मुझे बताए, पूरा मजमा मुझे ये बताए कि रमज़ान में कुरान खानी होती है कि नहीं होती है। और घरों में भी कुरान खानी होना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, हर बच्चे को कुरान पढ़ना चाहिए, हर एक को कुरान पढ़ना चाहिए। हम ना कुरान पढ़ेंगे, कुरान पढ़ने का हक़ ही हमको है, इसलिए कि शोरा हजरात यहाँ है, कुरान अली की मदह का खसीदा है,
कुरान की आयतें अली के मदह के मिसरे हैं ये, आप पढ़ते हैं, लेकिन जब रमज़ान की आखिरी तारीखें आ जाती हैं, रमज़ान की आखिरी तरह आखिरी तारीखें आ जाती हैं और कुरान वन्नास तक ख़त्म, सूरह हम से शुरू होकर वन्नास तक ख़त्म हो जाता है, तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं? दुआए ख़त्म कुरान पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं आप, तो दुआए ख़त्म कुरान पढ़ते हैं कुरान को ख़त्म होने के बाद, लेकिन 1400 साल से अब तक क्या किसी इमाम ने या रसूल ने दुआए ख़त्म फ़ज़ाइल अली पढ़े हैं? क्या सुन रहे हैं आप? दुआए ख़त्म कुरान तो पढ़ी है, दुआए ख़त्म फ़ज़ाइल अली नहीं पढ़े। क्यों? इसलिए कि जहाँ कुरान ख़त्म होता है वहीं से अली के फ़ज़ाइल का आगाज होता है। और शायर ने भी क्या खूब कहा कि फजीलतों में अली का कोई शुमार नहीं, ये वो शहर है कि जिसकी कहीं भी शाम नहीं। तमाम हो गया कुरान खुल के सूरे पर, किताबे अजमत हैदर का इख्तिताम नहीं। किताबे अजमत हैदर का इख्तिताम नहीं, ना किताबे अजमत हैदर का इख्तिताम है, ना किताबे फ़ज़ाइल सानिये हैदर का इख्तिताम है। ये कौन सानिये हैदर है कि जो वफादार आज़म है, सरकार वफा है, सुल्तान वफा है, सल्तनत वफा है, सहीफ़े वफा है, क़ुरान वफा है, किताब वफा है, मुजस्समा वफा है, पैकर वफा है, सरदार वफा है, नाज वफा है, नाजिश वफा है, नाजिश वफा है, ना खुदाए वफा है, इमाम वफा है, और वफा उल इमाम है, और वफा का लफ्ज इसी जात से मखसूस है, इसी जात से मखसूस है, ये वफादार है, और सिर्फ वफादार ही नहीं, ये बाबुल बाबुल मुराद भी है, मुरादों का दरवाज़ा, बाबुल हुसैन भी है, हुसैन का दरवाज़ा, और बाबुल हवाइज भी है, हाजतों का दरवाज़ा, मुरादों का दरवाज़ा, जहाँ हाजतें पूरी हों वो दरवाज़ा। हालांकि हाजतों को पूरा करने वाले हमने सारी दुनिया में देखे हैं, जो हाजतों को पूरा करते हैं, अरे हाजतों को सभी तो पूरा करते हैं। हमने बादशाह देखे, हमने शहंशाह देखे, हमने सलातीन देखे, हमने हातिम ताई को भी देखा, उसकी सखावत को भी देखा, उसकी अता को भी देखा, लेकिन अता की किसी ने भी तो अपने हाथों से अता किया। अरे क्या सुन रहे हैं आप? ये दुनिया के बादशाह और दुनिया के सखी वो हैं जो अपने हाथों से अता करते हैं। मैं नहीं बैठेगा ये मौलाई मजमा, मैं देख रहा हूँ विलायत की रमक आँख में पाई जाती है, हर खून का जर्रा जर्रा विलायत की गवाही दे रहा है। अरे जिसका खून में विलायत दौड़ती है वो फजीलत सुनकर बहुत चमकता भी है, बोलता भी है, बोलता भी है, खामोश बैठा नहीं रहता। तवज्जो चाहता हूँ, दुनिया का हर सखी वो है,
हर सखी वो है जो अपने हाथ से अता करता है, दुनिया का हर बादशाह अपने हाथ से अता करता है, मगर दो हस्तियां ऐसी हैं जो बेदस्त अता करती हैं, दो हस्तियां ऐसी हैं जो बेदस्त अता करती हैं, वो कौन हस्ती? एक आसमान पर अल्लाह, दूसरे जमीन पर अबुल फजल अब्बास। ये खुद बाबुल हवाइज नहीं बने, अल्लाह ने इन्हें बाबुल हवाइज बनाया है, अल्लाह ने इन्हें बाबुल हवाइज क्यों बनाया? तवज्जो चाहता हूं अजीजा ने मोहतरम, किसी ने माल दिया अल्लाह की राह में, किसी ने दौलत दी, किसी ने जायदाद दिए, लेकिन अब्बास वो है जिसने अल्लाह की राह में जायदाद नहीं अपने हाथ दिए, इसलिए इन्हें अल्लाह ने बाबुल हवाइज बनाया। और जो इनसे नहीं मांगेगा तो अल्लाह उसे नहीं अता करेगा। इसी के पस मंजर में शायर ने भी क्या खूब कहा, ये इज्जत और रिफत को इजी जाह न देगा, ये इज्जत और रिफत को इजी जाह न देगा, अब्बास जो दे देंगे कोई शाह न देगा, अब्बास जो दे देंगे कोई शाह न देगा। खुद उसने बनाया है इन्हें बाबे हवाइज, और इनसे नहीं मांगोगे तो अल्लाह न देगा, इनसे नहीं मांगोगे तो अल्लाह न देगा। ये बाबुल हवाइज ही नहीं, अब अहले इल्म यहाँ मौजूद हैं, जनाब अब्बास जहाँ बाबुल हवाइज हैं वहीं जनाब अब्बास का एक लकब है जोहरुल विलाया, विलायत की कमर। अहले इल्म समझ सकते, बड़े बड़े जाकिरीन को सुन चुके हैं, मैं भी आहिस्ता आहिस्ता सौत से नारत आया हूं, बड़ी मेहनत से आया हूं, इसे रायगा जाने ना दीजिए। जोहरुल विलाया, विलायत की कमर, ये लकब हुसैन ने दिया। अलान इन कसरा जहरी, ये है कि नहीं? हुसैन ने कहा यह जुमला, अलान इन कसरा जहरी, मेरी कमर टूट गई, सुना है ना? इसलिए अब्बास को कहते हैं जोहरुल विलाया, विलायत की कमर। अजीजान मोहतरम, इंसान के हाथ ना हो, ये इमाम का जुमला है, इसकी गहराई देखिए, इसकी अमीरगी देखिए, इसकी गिराई देखिए। इल्मे इमामत से हुसैन ने कहा है, भाई की मोहब्बत में नहीं कहा। इसकी गहराई में जाइए, गिराइये में जाइए, क्या कहा हुसैन ने? विलायत की कमर, अगर हाथ ना हो तो आदमी चल सकता है, और अगर पैर ना हो तो आदमी बैठ सकता है अगर चल ना सके, और अगर कमर की रीढ़ ना हो तो ना आदमी चल सकता है ना बैठ सकता है। क्यों? इसलिए कि ये कमर होती है
जिस्म का सहारा। अरे क्या सुन रहे हैं आप, पूरे जिस्म के सहारे को कहते हैं कमर, कि ये पसली की हड्डियों को भी संभाले है, शानों को भी संभाले है, हाथों को भी संभाले है, पैरों को भी संभाले है, तो कमर होती है सहारा। और पूरे जिस्म का सहारा, अब जुमला दे रहा हूं, और आपकी के अक्ल की रसाई अगर विलायत की बात है तो वली तो तीन है ना, तीन वली है ना, कौन कौन वली? इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलहु, अल्लाह वली, रसूल वली और अली वली, सारे इमाम वली। अगर विलायत कहें तो इस विलायत में अल्लाह की तौहीद भी है, रसूल की तौहीद भी है, और साहेब गदीर अली की विलायत भी है, तीनों चीजें। और हुसैन ने अब्बास के लिए कहा, ये विलायत की कमर है, और कमर जिस्म को सहारा देती है। अरे जो पूरे जिस्म को सहारा दे उसे जिस्म की कमर कहते हैं, जो पूरे निजामे विलायत को सहारा दे उसे अबुल फजल अब्बास कहते हैं। जो पूरे निजाम विलायत को सहारा दे उसे अबुल फजल अब्बास कहते हैं। जहरुल विलाया, और आपका एक लकब है रईसुशुजान, ममलिकते शजाअत का रासो रईस, ममलिकते शजाअत का रासो रईस। शजी उसे कहते हैं दुनिया की नजर में जो तलवार और नेजों के जरिए से दुश्मन को रोक ले या कत्ल कर ले। अजीजाने मोहतरम, ये तो हो गया छोटा बहादुर, छोटा शुजा, छोटा शजी, जो तलवार से, नेजे से, खंजर से दुश्मन को रोक ले या भगा दे उसे कहते हैं शजी। और जो अपनी निगाह गैस से बगैर तलवार चलाए हुए अपने निगाह गैस से 9 लाख के लश्कर को रोक कर भगा दे उसे शजी नहीं कहते, रईसु शुजान कहते हैं। शुजाओं का सरदार अपनी निगाह से, मैं कैसे समझाऊं, मैं जरा तारीख के पस मंजर में समझाऊं तो बात समझ में आई। शबे आशूर आई, मसायब की वादी से मैं फजाइल का गोशा दे रहा हूं, यहां शोरा हजरात मौजूद हैं, अच्छे शेर सुनाए, यहाँ भी शायर मौजूद हैं, जा रहा हूँ, हल्ला और आपका तारुफ हो गया। अजीजा ने मोहतरम, निगाह गैस से, निगाह गजब से,
अब कैसे समझाऊं आपको, निगाह के तीर से, निगाह के खंजर से, निगाह के हथियार से जो दुश्मन को रोक ले उसे रईसुशुजान कहते हैं। ममलकत शजाअत का सरदार कहते हैं, बहादुरों का बहादुर कहते हैं। और इस निगाह गैस को देखना हो तो शब आशूर देखो, और इस तरह देखो कि 9 लाख की फौजें खैमे हुसैन की तरफ बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। हुसैन ने एक मर्तबा अब्बास से कहा, या अखी फिदा का, अब्बास इनकी खबर लो कि ये हुसैन आप पर फिदा हो जाए। अरे नहीं सुना आपने, हुसैन क्या कह रहे हैं, अब्बास मैं आप पर फिदा हो जाऊं। और हुसैन कौन है, हुसैन है इमाम। अल्लाह ने इमाम का सदखा बनाकर कायनात को खल्क किया है, कायनात की हर शय इमाम पर फिदा है। चांद हो के सूरज, जर्रे हो के आफ्ताब, समंदर हो के खतरा, सरा हो के सुरैया, अर्श हो के फर्श, सारी कायनात का जर्रा जर्रा जिस पर फिदा हो जाए। क्या सुन रहा है ये मजमा, कायनात का जर्रा जर्रा जिस पर फिदा हो जाए उसे हुसैन कहते हैं, और हुसैन जिस पर फिदा हो जाए उसे अबुल फजल अब्बास। उसे अबुल फजल अब्बास कहते हैं। का अब्बास मेरी खबर लो, तारीख में मिलता है तेजी के साथ फौजें उधर से बढ़ रही थी, इधर हुसैन का हुक्म हुआ। अब्बास हमेशा आमादा रहते थे। अरे ये तो वो सिपाही हैं जो छुट्टी ले लेते हैं, दुनिया के सिपाही, लेकिन तारीख में कहीं नहीं मिलता कि एक लम्हे के लिए अब्बास हुसैन से जुदा हुए हों। सिपाह सालार आज़म, सिपाह सालार करबला हमेशा खिदमत हुसैन में मौजूद है। हुसैन ने कहा, अब्बास खबर लो, जैसे ही कहा अपने मुर्तजिस पर सवार हुए। देखिए अब बुजुर्ग तो जानते हैं, नौहा खान सब जानते हैं जस्त किसे कहते हैं, लेकिन मैं बच्चों को समझाने के लिए अर्ज कर दूं, उर्दू के जस्त के मानी है जंप करना, जंप करना। इधर हुसैन ने कहा, अब्बास खबर लो, अब्बास घोड़े पर सवार हुए और मुर्तजिस को इशारा किया, अपने घोड़े मुर्तजिस को इशारा किया, कहा चल। अब्बास के घोड़े ने एक ही जस्त में अपने आप को उमर सात के घोड़े तक पहुंचा दिया। उमर सात के घोड़े तक जब पहुंचाया तो तारीख में मिलता है अब्बास के घोड़े की कनौतियां उमर सात के घोड़े से मिल रही थी। अजीब मंजर था। और तारीख ये कहती है कि अबुल फजल अब्बास जब मैदान में आए, पूरे हवाले की जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूं, तारीख में मिलता है पूरा सहराए करबला अब्बास के चेहरे के नूर से मुनव्वर हो चुका था।
इसीलिए तो इन्हें खमरे बनी हाशिम कहते हैं। चांद भी जिसके नूर के सामने मांद पड़ जाए उसे अब्बा खमरे बनी हाशिम कहते हैं। अरे चांद तो वो है कि जो मखलूकात को रोशनी देता है। अब्बास को खमरे बनी हाशिम, बनी हाशिम का चांद इसलिए कहते हैं कि अगर आसमान का चांद इंसानों को कुछ चांदनी दे, इंसानों को रोशन करे, इंसानों को उजाला बख्शे, तो अब्बास तो वो है जो कुरान को रोशनी देता है, इस्लाम को रोशनी देता है। और जब पहुँचे तो तारीख में मिलता है कुछ कहा नहीं। मैं ज़्यादा अर्ज़ नहीं करूँगा इस पर, इसलिए कि मुझे किसी मंजिल पर आपको ले जाना है। तारीख में मिलता है बस निगाह गैस से, रौनत के साथ पूरी फौज को देखा। तो ये जुमले हैं तारीख के, हर सिपाही अपना चेहरा छुपा रहा था। कोई ढाल से चेहरा छुपा रहा था, कोई परचम से चेहरा छुपा रहा था, और जिसके पास ढाल न हो वो हाथ से चेहरा छुपा रहा था। क्यों छुपा रहा था? इसलिए छुपा रहा था कि कहीं मैं अब्बास के गैज का निशाना न बन जाऊं। जज़ाकअल्लाह। रईसुश्शुजान, यह है रईसुश्शुजान। अब एक मंजिल को मैं आगे और बढ़ाऊंगा। बहुत खुश है मोहम्मद तकी साहब कि बारिश के बावजूद भी यहाँ काफ़ी मजमा हो गया। खुलूस से बुलाइए तो खुलूस से मजमा आता है, खुलूस से बुलाइए तो खतीब बुला, खतीब जो है वो पढ़ता है। मैं यहाँ से वहाँ तक के इस मजमे को एक बात अर्ज़ करूँ। देखिए, दुनिया वालों में और अहले बैत में बड़ा फ़र्क है। दुनिया वाले अपने ही सही जब किसी को बुलंद मकाम पर देखते हैं तो जलते हैं, और गिरते हुए देखते हैं तो हंसते हैं। बुलंद बाला मकाम पर देखें तो जलते हैं, और गिरते हुए देखते हैं तो हंसते हैं। ये दुनिया वालों हैं जिनका ये उसूल है। अहले बैत वो हैं जब किसी अपने को बुलंद मुकाम पर देखते हैं तो मुस्कुरा के और बुलंद कर देते हैं, और अगर कोई गिर जाए तो हंसते नहीं, संभालते हैं। एक और फ़र्क बताऊं, बाबुल हवाइज की बारगाह से कुछ लेके जाइए, फ़ज़ाइल तो लेके जा ही रहे हैं आप। अज़ीज़ान मोहतरम, याद रखिए, दुनिया वाले दिखावा देखते हैं, कितनी देगें पकी, कितने लोग आए थे, कितने मुअज़्ज़िन आए थे, कितनी गाड़ियां खड़ी थीं, कितनी गाड़ियां खड़ी थीं, और इसमें खुश जायका खाना पक्का था या नहीं पक्का था, मिनिस्टर आए थे या नहीं आए थे, अहले मोहल्ला के मुअज़्ज़िन आए थे या नहीं आए थे। ये दुनिया वाले हैं जो दिखावा देखते हैं। मादरे हुसैन दिखावा नहीं देखती, नीयत देखती है।
मादर हुसैन नीयत देखती है। अजीज़ान मोहतरम, अलख़वात तो इतने हैं कि अगर ज़िंदगी बाकी रही तो पढ़ूँगा, लेकिन दो तीन अलख़वात तो ज़रूर पढ़ूँगा इस मजलिस के में। अजीज़ान मोहतरम, पहला आपने सुना बाबुल हवाइज, दूसरा वफादार आज़म, तीसरा ज़ोहरुल विलाया, चौथा रईसुश शुजाआन। ममलिकत शजाअत के रासो रईस हैं अब्बास। अब्बास को शजी क्या तेलियों ने कहा, क्या भंगों ने कहा, क्या मुनाफिक मुसलमानों ने कहा, या रोटी तोड़ने वाले मौलवियों ने कहा? जनाब अब्बास को शजी रसूलुल्लाह ने कहा। रसूलुल्लाह ने कहा, और ये जुमला मिलता है, मुबश्शिरम बिश्शजाअते क़ब्ला मीलादेही। और कब कहा? अब्बास की विलादत से पहले अब्बास की शजाअत की बशारत दी। आहा, किसने बशारत दी? रसूलुल्लाह ने बशारत दी। अब इसे नौजवान भाइयों को कैसे समझाऊं? याद रखिए, हर नबी ने अपने बाद आने वाले नबी की नबुव्वत की बशारत दी। जनाबे आदम ने जनाबे नूह की नबुव्वत की बशारत दी, नूह ने इब्राहिम की नबुव्वत की बशारत दी, जनाबे इब्राहिम ने जनाबे मूसा व ईसा की बशारत दी, जनाबे मूसा व ईसा ने रसूल खुदा की आमद की नबुव्वत की बशारत दी। सारे अंबिया जिसकी नबुव्वत की बशारत दें उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा जिसकी शजाअत की बशारत है उसे अबुल फजल लबा। गदीर में रसूलुल्लाह ने सिर्फ आगे वालों के ही हाथ नहीं उठवाए थे, 1,24,000 सहाबियों के हाथ उठवाए थे। अरे वो भी ऐसे सहाबी जो कुछ मोमिन थे कुछ मुनाफिक थे, और इस मजलिस में सब के सब मोमिन हैं। जब मोमिन है और नारा लगे तो फिर यहाँ से वहाँ तक हाथ उठना चाहिए। और ये हाथ उठाना किसने सिखाया? गदीर के बाद मैं बुढ़ा कहूँ जनाबे सलमान फारसी का तो सरापा गुनाहगार हो जाऊँगा। अरे इन सबको मैं बुढ़ा कहूँ जिनकी उम्रें 60 साल के ऊपर हैं, अगर बुढ़ा कहूँ तो अल्लाह मुझ पर अजाब नाजिल करेगा। मैं कभी भी मौली अली को, उम्र दराज मौली अली को, एज्ड मौली अली को बुढ़ा नहीं कहता, बुजुर्ग कहता हूँ। आप भी बुढ़ा ना कहिए, ज़ईफ ना कहिए, बुजुर्ग कहिए। बुढ़ा उसे कहते हैं जिसका कि अक्ल ज़ायल हो गई हो, कमज़ोर हो गया हो। बुजुर्ग उसे कहते हैं जो हमेशा हमेशा बुलंदो बाला हो, बुलंदो बाला हो। और कोई यहाँ बुढ़ा है ही नहीं, बुढ़ा कोई है ही नहीं। क्यों? इसलिए कि हमारे छठे इमाम ने फरमाया, छठे इमाम का कौल पर बोलेंगे
छठे इमाम ने फरमाया मेरे जद अली की विलायत ज़ईफों को जवान बना देती है। और मेरे जद अली का बोझ जवानों को ज़ईफ बना देता है। और ये नामे अली करंट का काम करता है। करंट एक असर दो, इफेक्ट्स दो, हीटर में लगाइए तो गर्म हो जाएगा, कूलर में लगाइए ठंडा हो जाएगा। करंट एक असर दो, जैसे करंट एक असर दो वैसे नामे अली एक असर दो। मोमिन सुने तो चेहरा गुलनार हो जाए, मुनाफिक सुने तो चेहरा झुलस जाए। शायर ने कहा शजर जब हर्फ जन होते हैं गुंचे बोल उठते हैं, अली का नाम आ जाए तो शजरे अली का नाम आ जाए तो चेहरे शजरे। अली के नाम में यारो तखैया गैर मुमकिन है, जबाने चुप भी हो जाए तो चेहरे बोल। जबाने चुप भी हो जाए तो चेहरे बोल उठते हैं। अगर मैं इसी तरह मजलिस पढ़ूंगा तो रात गुजर जाएगी, मारूजात ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन आज मुझे जनाब अब्बास के एक एक फजीलत के गोशे को बयान करना है। अजीज़ान मोहतरम, मैं उस गोशे को बयान करने से पहले एक लफ्ज़ की ज़रा सा तशरीह कर दूं। बुज़ुर्ग तो जान जाएंगे लेकिन मैं मेरे हमसिन भाइयों के लिए, छोटे भाइयों के लिए ये ज़रा सा तशरीह कर दूं। देखिए एक लफ्ज़ आएगा पनाह लेना, पनाह लेना। ये पनाह किसे कहते हैं? अब मैं कैसे समझाऊं आपको। मैं चला कर्नाटक से, मसलन चला, और मेरे दुश्मनों ने मुझे पहचान लिया, और मुझे पहचान लिया और पहचानने के बाद मुझ पर हमलावर हुए, तेगों से, तबरों से नहीं, राइफल से। जब हमलावर हुए तो मोहम्मद तकी साहब ने मुझे देखा कि मौलाना आ रहे हैं, इन पर दुश्मन हमलावर हैं, तो लिहाजा उन्होंने ये ठान लिया कि मैं मुझे मेरी जान को बचा ले। मेरी जान ख़तरे में थी, मेरी जान ख़तरे में थी, इन्होंने मेरी जान को महफूज करने के लिए ख़ुद को ख़तरे में डाल दिया। ख़ुद को ख़तरे में डाल दिया। अब वो ख़ुद हैं ख़तरे में और मेरी जान है महफूज। इसे कहते हैं पनाह। पनाह देने का मतलब अपनी जान को ख़तरे में डालना, दूसरों की जान को महफूज रखना। अब जनाब अब्बास की फजीलत क्या है? एक जुमले में कहा गया यौमुन लिल यौमुन, आशूर का दिन
इतना सख्त था कि उस दिन हिदायत ने, गौर से सुने, सुन रहा है ये अहले इल्म का मजमा, आशूर का दिन इतना सख्त था, इतना संगीन था कि उस दिन हिदायत ने अब्बास के परचम के तले पनाह ली। क्या जुमला दिया आपने, क्या सुना। आशूर का दिन इतना सख्त था कि इस परचम के तले हिदायत ने पनाह ली, मुसलमानों ने नहीं, हाय हाय हाय, मोमिनों ने नहीं, अब्बास के मुकाम को समझिए, हिदायत ने पनाह ली। अब पूछें कुरान कौन कौन सी चीज़ें हिदायत हैं, तवज्जो चाहता हूँ, कौन कौन सी चीज़ें हिदायत हैं। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताब, ला रैबा फी, हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान क्या है, हिदायत है। खुद कुरान से पूछो कुरान क्या है, कुरान हिदायत है। दूसरी चीज हिदायत क्या है, कुरान से पूछें, इन्ना अव्वला बैतिन उज़िया लिन्नासे लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकं व हुदन लिल आलमीन। हमने सबसे पहला घर जो रूए ज़मीन पर बनाया वो काबा है, और वो ऐसा काबा जो मुबारक भी है और हिदायत भी है। मुबारक भी है, हिदायत भी है। तीसरी आयत को पढ़ूं, कुरान कह रहा है, वजअल्लाहुम अइम्मतन यहदूना बेअम्रना। ये इमाम हैं कि जो हिदायत हैं, लोगों की खुद हिदायत है, लोगों की हिदायत करते हैं हमारे अम्र से। तो तीन चीजें हिदायत हुई, एक कुरान, दूसरे काबा, तीसरे इमाम, और हिदायत ने पनाह ली अब्बास के परचम में के नीचे। तो आप मुझे कहने दीजिए, जिसके परचम के नीचे काबा पना ले, इमाम पना ले, कुरान पना ले, उसे अबुल फजले लबा। जज़ाकल्लाह, सब मिलके जिसके परचम का ये मुकाम है, तो खुद उसकी जात का क्या मुकाम होगा। और कायनात में दो परचमदार ऐसे गुजरे हैं, जो अलमदार ऐसे गुजरे हैं कि जिन्होंने अनोखे अंदाज से अलम को गाड़ा, गनोखे अंदाज से अलम को गाड़ा। पहला अलमदार, अलमदारे जंगे खैबर, अलमदारे जंगे खैबर, मौला अली ने अलम को पत्थर में गाड़ा। दूसरा अलमदारे जंगे करबला, जिसने अलम को पत्थर में नहीं पानी में गाड़ा। उस शायर ने कि हैदर के लाल तूने अजब काम किया है, हर एक सितमगर का जिगर फाड़ दिया है।
हिम्मत हो किसी में तो उखाड़े आकर, अब्बास ने पानी में आलम का, अब्बास ने पानी में अलम गाड़ दिया। और आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त के दिन तिरंगे लहराए गए, फ्लैग लहराए गए, परचम लहराए गए, झंडे लहराए गए, सलामी दी गई। जो सलामी दी, जिसने सलामी दी वो वफादार कहलाया। अरे जिसने सलामी दी वो क्या कहलाया? वफादार कहलाया, देश का वफादार, मुल्क का वफादार। और जिसने तौहीन की, जिसने तौहीन की, या तो वो आतंकवादी कहलाया या गद्दार कहलाया। अरे किस मंजिल पर ले जा रहा हूँ? जो मुल्क के परचम की तौहीन करे, देश के परचम की तौहीन करे, वो देश का गद्दार और देश का आतंकवादी है। और इस अब्बास का परचम, अब्बास का परचम नहीं है, तौहीद का परचम है, इस्लाम का परचम है। जो मुल्क के परचम की तौहीन करे वो मुल्क का आतंकवादी और गद्दार, और जो अब्बास के आलम की तौहीन करे वो इस्लाम का गद्दार। सब मिलके मैं समझ गया, अब मुझे अपनी मंजिल पर आ जाना ही चाहिए। देखिए उम्र के भी कुछ तकाजे होते हैं, पहलू बदलना पड़ता है, पैरों को आगे पीछे करना पड़ता है। लेकिन आप और हम जैसे जो है, अगर दुबले कोई हो तो इसके लिए मसला नहीं होता। बड़े बड़े दरख्त पहले तूफान की जद में आकर गिर जाते हैं। ये जो छोटे फल होते हैं बड़ी बड़ी हवाओं और तूफानों का, ये मुकाबला कर लेते हैं। अल्लाह सबको बाहयात रखे, अहले बैत के सदक़े में रखे। लेकिन नौजवानों, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, दुनिया के आज तो 15 अगस्त हमारे मुल्क में लहराया गया, आलम परचम लहराया गया या नहीं? यही परचम आप क्या पड़ोसी मुल्क में लहरा सकते हैं, चाइना में लहरा सकते हैं? नहीं। सऊदी में लहरा सकते हैं, अमेरिका में लहरा सकते हैं, जापान में लहरा सकते हैं का नहीं? आप अपने मुल्क ही का आलम अपने मुल्क में लहरा सकते हैं। दुनिया के हर मुल्क के परचम उसी मुल्क में लहरा रहे हैं। ये वाहिद अब्बास का आलम है। वाहिद अब्बास का आलम है जो पूरे यूनिवर्स पर में लहरा रहा है, पूरी कायनात में लहरा रहा होता है। एक जुमला अर्ज करूं, अरे जिसका परचम होता है उसकी हुकूमत होती है, जिसका परचम होता है उसका कमांडर होता है, जिसकी का परचम होता है उसके किले होते हैं, जिसका परचम होता है उसकी फौज होती है, जिसका परचम होता है उसकी फौज का लिबास होता है। अब परचम का लहराना बता रहा है कि हुसैन, हुसैन सिर्फ करबला का बादशाह नहीं है, कायनात का बादशाह।
अब्बास सिर्फ करबला का कमांडर नहीं है, पूरे यूनिवर्स का कमांडर है, सारी कायनात का कमांडर है। और ये अज़ा खाने हुसैन के खिले हैं, और ये अज़ादार हुसैन की फ़ौज है, और ये सियाह लिबास इस फौज का ड्रेस है, वर्दी है। लेकिन हमारी वर्दी देखी तो इनकी आंखें उबल पड़ी, काला लिबास, जहन्नमियों का लिबास, काला लिबास जहन्नमियों का लिबास है। इल्मी बात है कि नहीं है? इल्म सुनना चाहते हैं मेरे साथ बैठ जाइए, सारी रात सुनाऊंगा, कमर टूट जाएगी, फजाइल अब्बास खत्म नहीं होंगे इल्म के पस मंजर में। हाँ सारी देखिए, ना आप तबर्रा को छोड़ सकते, ना तवल्ला को छोड़ सकते, ना शरीयत को छोड़ सकते। क्यों? अगर आपके चार बेटे हों, दस्तरखान बिछे, तो क्या आप तीन बेटों को भगा देंगे, एक बेटे को खिलाएंगे? अरे सभी बेटों पर नज़र रखेंगे ना। तो ये मिंबर भी एक ऐसी जगह है जहाँ इल्म भी हो, तवल्ला भी हो, तबर्रा भी हो, शरीयत भी हो, हलाल व हराम के अहकाम कम हो, फजाइल अली ज़्यादा हो। हलाल हराम करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, हलाल हराम सब सीखना आप पर वाजिब है। क्या मौलाना मस्जिद में नहीं है? जाइए सीखिए। और हर बार आप कहते हैं मिंबर से पढ़िए, अरे आप मिंबर से क्यों पढ़वा रहे हैं? चौथे इमाम ने कर फरमाया, हमारे दो तरह के खातिल हैं। बहुत अच्छा कलाम सुनाया आपने, हमारे दो तरह के खातिल हैं। छठे इमाम, चौथे इमाम की हदीस है, एक छोटा खातिल, एक बड़ा खातिल। छोटा खातिल इब्ने मुलजिम, छोटा खातिल शिमर, छोटा खातिल मंसूर दवानखी। ये छोटे खातिल हैं इसलिए कि इमाम ने फरमाया, जो हमें तलवार के हरबे से कत्ल करे, खंजर के हरबे से कत्ल करे, जहर के हरबे से कत्ल करे, वो हमारा छोटा खातिल है। हमारा बड़ा खातिल वो है जो हमारे मिंबर पर तो जाए मगर हमारे जद अली के फजाइल को बयान ना करे। जज़ाकल्लाह। मेरे जद अली के फजाइल को बयान ना करो। फजाइल बयान करने का मतलब ये नहीं है कि आप गुस्ल के अहकाम ना सीखें, शरीयत के अहकाम ना सीखें। 24 पहर मौलाना बैठे हुए हैं, वरना क़ियामत में शिकायत करतेंगे, अरे यहाँ से मत पढ़वाइए, वहाँ जाइए। चबूतरे पर बैठकर अबू जहल के बातें करने के बजाय मौलाना के पास जाकर जानू तह करके गुस्ल के अहकाम सीखिए, नमाज के अहकाम सीखिए, शरीयत के अहकाम सीखिए। लाजिम है सीखना हर चाहने वाले को। मौला अपने बच्चों को सिखाइए। मौला अली ने जब ज़ैनब व अब्बास को गोद में लेकर इल्म का इम्तिहान लिया, तो क्या आप अपने बच्चों को गोद में लेकर फजाइल नहीं सिखा सकते? नमाज का तरीक़ा नहीं सिखा सकते? शरीयत का तरीक़ा नहीं सिखा सकते? वालिदैन का एहतराम नहीं सिखा सकते? ये ज़रूरी नहीं है कि 10 दिन मुहर्रम में मौलाना इन्हें गुस्ल नहीं आता। साल भर क्या आप सिर्फ पानी ही पी रहे थे? 10 दिन में जो है खूब मसाइल याद आ गए हुसैन के दिनों में, और साल भर याद नहीं आता। ये वहाबियों की फिक्र शियों में कहाँ से आ गई? ये तो उनकी फिक्र है। तो अजीज़ान मोहतरम, मैं क्या अर्ज़ कर रहा था, वक्त हो चला। अब्बास अलमदार, मैंने आज के करीब
12-15 साल पहले गोरी खालसा में परचम आया था तो मनसब अलमदारी और मनसब शिकायत पर मजलिस पड़ी थी। गोरी खालसा वाले कोई मजलिस मेरी याद रखें या ना रखें, वो अलमदारी वाली मजलिस तो ज़रूर याद रखते हैं। अब चूंकि आप सब की फरमाइश है तो बस एक जुमला, वरना अगर मैं मजलिस पढ़ना शुरू कर दूं तो 2 घंटे भी लग जाएं तब भी तारीख़ अलम मुबारक बयान नहीं की जा सकती, इसलिए कि अलम की तारीख़ जन्नत से चली है, अलम की तारीख़ जन्नत तक पहुंची, और सिर्फ अलम जहन्नमी नहीं उठाते, हमेशा जन्नती ही उठाते। अलम सिर्फ जन्नती ही उठा सकते हैं, जहन्नमी नहीं उठा सकते। बस आखिरी मंजिल आ गई है, अब ना ऊंग रहेगी ना नींद रहेगी। ऊंग और नींद या अल्लाह को नहीं आती या अली को नहीं आती, ना अल्लाह सोया ना अली सोए, कभी अली नहीं सोए। का सितारों गवाह रहना कि अली रात भर जाग कर गरीबों में तकसीम करता रहा या अल्लाह की इबादत करता रहा, अली नहीं सोए या अल्लाह नहीं सोया। तो अल्लाह ने कहा या अली शबे हिजरत सो जा ताकि तू रहे मैं रहूं। हौसला बख्शा, बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी हजरात का। मैं लखनऊ आता रहता हूँ, नवे दर में मेरा खमसा रहता है, मैं खिताब करता रहता हूँ और मजलिसें, सुबह भी मजलिस थी, यहाँ पढ़ने का शरफ़ हासिल होता रहता है और पूरे यूपी भर में मुझे, वहाँ कर्नाटक में कहते हैं आप हमारे कर्नाटक के नहीं यूपी के खतीब हैं, और हर जगह खिताब करने का शरफ़ हासिल होता है। बस आखिर में एक बड़ा तोहफ़ा देने जा रहा हूँ, और ये तोहफ़ा नहीं मेरा अपना खून जिगर है जिसे आपकी खिदमत में देने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह सुनेंगे आप। अब सवाल ये है कि जनाब अब्बास अगर अलमदार हैं तो इन्हें अलमदार हुसैन ने अपनी तरफ से बनाया या अब्बास को अलमदार और सखा अल्लाह ने बनाया? ये सवाल है कि नहीं, इल्मी बात है कि नहीं? सब भूल जाएंगे, और ये इल्मी बात भूल गए तो आपने कुछ भी याद नहीं किया। और ये इल्मी बात पूछूंगा ऐसे ही नहीं, अरे सिर्फ मोमिनीन ही को खतीब की क्लास लेने नहीं आती, हम तो चेहरे पढ़कर क्लास ले लेते हैं, बड़ी क्लास ले लेते हैं। अल्लाह ने बनाया या इमाम हुसैन ने बनाया? खुदा सलामत रखे, आपके चेहरे बड़े रोशन हैं, ऐसे महसूस कर रहा हूँ कि इस वक्त जो है आसमान के सितारे भी आपसे कम चमक रहे हैं, मगर आप आसमान वालों के लिए ज़्यादा चमक रहे हैं, इसलिए कि छठे इमाम की हदीस है, हमारे फजाइल बयान करने के लिए जब चाहने वाले फर्श पर तशरीफ़ फरमा होते हैं तो उनके चेहरे आसमान वालों के लिए ऐसे ही चमकते हैं जैसे चांद और सूरज ज़मीन वालों के लिए चमकते हैं। आपको ख़ुद अंदाज़ा नहीं है कि आपके चेहरों में कितनी चमक है, वो तो आसमान वाले देख रहे हैं, रूहानियत से देख रहे हैं। अलमदार अब्बास को किसने बनाया, अल्लाह ने बनाया या इमाम हुसैन ने बनाया?
देखिए जब अल्लाह किसी को मनसब देता है, ओहदा देता है, नबुवत का ओहदा दे या रिसालत का ओहदा दे या इमामत का ओहदा दे, जिसे नबी बनाता है उसके कंधों पर नबुवत की मोहर लगा देता है, है कि नहीं? नबुवत की मोहर लगा देता है। दोषे नबी पर मोहर नबुवत थी या नहीं? और जनाब खदीजा ने तो यही तो अलामत पूछी थी, पहले जाकर देखो कि इनके दोष पर नबुवत की मोहर है या नहीं। इससे तो जनाब खदीजा के इल्म का अंदाज़ा होता है। नबी किसे कहते हैं, रसूल किसे कहते हैं, ये अलामतें तो जनाब खदीजा जानती थी। रसूल के कंधे पर क्या थी? मोहर नबुवत थी। और मौला अली के पुश्त पर क्या थी? मोहरे माशाल्लाह, मोहरे इमामत। अल्लाह जिसे ओहदा देता है नबुवत का दे तो नबुवत की मोहर, इमामत का ओहदा दे इमामत की मोहर। तवज्जो चाहता हूँ, इमामत की मोहर ये अल्लाह की तरफ से होती है। अब जनाबे अब्बास को अल्लाह ने अलमदार बनाया, अल्लाह ने सखी बनाया, या हुसैन ने अलमदार बनाया और सखा बनाया। तारीख में मिलता है कि जब जनाबे अब्बास दुनिया में आए तो जनाबे ज़ैनबे कुबरा जनाबे अब्बास को लेकर मौलाए कायनात की खिदमत में पहुंची। अली ने अपने नूरे नज़र को अपनी गोद में लिया, अपनी तमन्ना को अपनी गोद में लिया, कभी दायां कंधा चूमा, हाँ, कभी बायां कंधा चूमा, बार बार बोसे देते रहे। जनाबे ज़ैनब ने पूछा, बाबा आप कभी दायां कंधा चूम रहे हैं, कभी बायां कंधा चूम रहे हैं? तो मौलाए कायनात ने कहा, ज़ैनब क्या नहीं देख रही हो, अब्बास के दाएं कंधे पर अलम की मोहर है। अब्बास के बाएं कंधे पर मश्क की मोहर है। अलम और मश्क की मोहर का होना बताता है कि ये ओहदा हुसैन ने नहीं दिया, अब्बास को अलमदार अल्लाह ने बनाया। अब ना पूछना आलम कब तक रहेगा, जब तक अल्लाह रहेगा। जब तक अलम रहेगा, जब तक अल्लाह रहेगा तब तक अलम रहेगा, और जब तक अलम रहेगा तब तक मश्के सकीना अलम के साथ रहेगी। आहा, मुझे हुक्म दिया कि जनाबे सकीना के भी फजाइल पढ़े जाएं। सारे फजाइल नहीं पढ़ूंगा, एक फजीलत बस इतनी सुन लीजिए कि अब्बास के अलम के साथ मश्के सकीना बंधी हुई है। गोया भतीजी को चचा सीने से लगाए हुए है। शायर ने कहा, मुल्के वफा के हजरत अब्बास शाह हैं, हुस्ने वफा पा मश्को अलम दो गवाह हैं। ये सकीना चिमटी हुई है, और सकीना सुकून को कहती, सकीना खरारे दिल को कहते हैं, दिल के खरार को कहते हैं। और इमाम होता है कायनात के लिए सुकून का बाइस, इमाम का वजूद होता है कायनात के लिए सुकून का बाइस। अगर इमाम एक लम्हे के लिए दुनिया में ना हो तो कायनात मुस्तरिब हो जा होकर महशर आ जाए, क़ियामत आ जाए। और हुसैन का वजूद कायनात के लिए सुकून का बाइस। और हुसैन कहते हैं,
जिस घर में सकीना ना हो वहाँ मुझे सुकून नहीं। जो कायनात को सुकून बख्शे उसे हुसैन कहते हैं, जो हुसैन को सुकून बख्शे उसे सकीना बिनते हुसैन कहते हैं, सकीना कहते हैं। और सकीना की माँ का नाम है रबाब, और मुझे हुक्म दिया गया है कि रबाब के भी मसाइब पढ़े जाएं, सकीना बीवी के मसाइब भी पढ़े जाएं। अरे जो मसाइब सकीना के हैं वो रबाब के हैं, जो रबाब के हैं वो अली असगर के हैं। आज़ादारों, मैं ज़्यादा मनाजिर बयान नहीं करूँगा कि उम्मे रबाब पर क्या गुजरी। पहली मुसीबत रबाब पर ये थी जब हुसैन बच्चे को लेकर खुदा किसी माँ को वो मंजर न दिखाए जो रबाब ने देखा। ऐसा मुसीबत तरीन मंजर था कि हुसैन को भी 7 मर्तबा आगे पीछे होना पड़ा, 7 मर्तबा कहना पड़ा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्यों? कि हुसैन के जहन में एक ही बात थी, मैं तो वादा करके गया था रबाब तेरे नूरे नजर को पानी पिला कर लाऊंगा, पानी पिला कर लाऊंगा। बच्चे ने पानी नहीं पिया, तीर खा कर आया है बच्चा। इसलिए इस मंजर को छुपाने के लिए अली असगर को हुसैन ने अबा के दामन में छुपा लिया था। लेकर चले हुसैन, रबाब आई तो एक मर्तबा कहा, रबाब मेरे सर पर अपना हाथ रखो। रबाब ने सर पर हाथ रखा। अब हुसैन ने कहा, रबाब जानती हो मैं कौन हूँ? कहा, रबाब ने, आप मेरे इमाम हैं, आप सरताज हैं, आप मेरे रफीक हयात हैं, आप मेरे इमाम हैं। कहा, रबाब क्या मेरे अमामे की कसम खाओगी कि सब्र करोगी? कहा, मौला इमामत के अमामे की कसम कोई शिकवा नहीं करूंगी। मौला कोई गिला नहीं करूंगी। जब कसम ले चुके तो बात दिले नाखास्ता आहिस्ता आहिस्ता अबा के दामन को हटाया। खुदा किसी माँ को वो मंजर न दिखाए जो रबाब ने देखा। बच्चा पानी पीकर नहीं, खून में नहा कर आया है। बच्चे के गले में सुराख है। तो अब रबाब का जुमला सुनना मेरी माँ बहनों, और जब भी अपने 6 महीने के बच्चे को या पोते को नवासे को प्यार करना तो रबाब के इस जुमले को याद करके अपने बच्चे की हिफाजत की दुआ करना। रबाब ने तड़प के एक जुमला कहा, आहा कोई शिकवा नहीं करूंगी, कोई गिला नहीं करूंगी, कोई हर्फ शिकायत जबान पर नहीं लाऊंगी। बाखा बस मुझे इतना बता दीजिए, घर तक रोते हुए जाएंगे, आखा बस मुझे इतना बता दीजिए
क्या 6 महीने के बच्चे भी ऊंट की तरह नहर कर दिए जाते। जजाकल्ला जजाकल्ला, आपकी आवाजें गिरिया बुलंद हो गई। ये पहले पहला दर्द का मंजर था जहां रबाब महवे हैरत होकर सिर्फ खड़ी रही, रोई नहीं, जबान से कुछ कहा। एक और मैं 3 मंजर बयान करना चाहता था। एक मंजर वो है कि जहां रबाब शिकायत भी न कर सकी, बस हैरत ज़दा होकर देखने लगी। कौन सा मंजर? वो मंजर जब खैमे जल रहे थे, खैमे जल रहे थे, जलते हुए खैमों के साथ पेशीर का झूला भी जल रहा। आपके इस गिरिये को फातिमा ज़हरा कबूल फरमाए। खैमा जल रहा था, झूला जल रहा था, किसी ने उमर सास से कहा, अमीर हमने 72 को कत्ल किया था, सर तो 71 हैं। किसी ने कहा, एक बच्चा है जिसे हुसैन ने दफन कर दिया, का क्या करें, घोड़े लेके आगे बढ़ो। अरे जमीन से बच्चे को निकालो। एक जालिम ने ऐसा नैजा मारा, नैजे के साथ असगर का सर, इधर जलते खैमों में झूला जल रहा था, उधर रबाब की आंखों के सामने एक जालिम ने बालों को पकड़ा, एक जालिम ने जिस्म को पकड़ा, रबाब देखती रह गई, असगर का गला कट गया, असगर के लाशे को हुसैन के लाशे के साथ, अब जो घोड़े दौड़े हुसैन का लाशा कभी दाएं करवा। ये सिर्फ मंजर था जो रबाब देखती रह गई। और एक वो मौका आया कि रबाब देखती भी थी, रोती भी थी। कौन सा मौका? आज़ादारों, जब रिहाई मिली। अब मैं बीबी सकीना के मसाइब को क्या बयान करूं? जो असगर के मसाइब हैं वो सकीना के मसाइब हैं। बस आखिरी मुसीबत को सुन लेना। आज़ादारों, रिहाई मिली तो शहीदों के सर आए, शहीदों के सर आए तो उम्मे लैला आगे बढ़ी, अली अकबर के सर को लिया, ज़ौजे अब्बास आगे बढ़ी, अब्बास के सर को लिया, मादर खासिम ने अपने बेटे का सर लिया, ज़ैनब ने हुसैन का सर लिया, रबाब ने असगर का सर लिया। सर लेकर अब जो गर्दन के पीछे निगाह पड़ी, रबाब खक खक के रोने लगी, चीखे मार मार के रोने लगी,
कैसे बयान करूं, आज़ादार और ज़ैनब ने ये मंजर देखा, हुसैन का सर छोड़ा, रबाब तड़प तड़प के रो रही है। एक मर्तबा रबाब के को आगे बढ़कर रबाब को संभाला, रबाब के सर पर हाथ रखा, रबाब क्या बात है, खक खक के रो रही हो, तड़प तड़प के रो रही हो। काश शहजादी की जबान से कहूं, शहजादी जब हम करबला से चले थे तो अली असगर के गले में सिर्फ एक जख्म था। बीबी अली असगर के गले का छेद भी बड़ा हो गया, असगर के गले में जा बजा जख्म है। आज़ादारो जा बजा जख्म कैसे थे ये अली असगर के गले में आपको मालूम होना चाहिए। ये जालिम रात में सरों को जमीन पर उतार देते थे, संदूक में रख देते थे, जब सुबह होती फिर नैजा सर में चुभोते। अरे इतनी मर्तबा असगर के गले में नैजे चुभोए, एक असगर का गला एक सकीना की पोस्ट। अरे कोई बता नहीं सकता ये बच्ची कितनी जख्मी थी। पता उस वक्त चला जब गसाला ने ज़ैनब से पूछा, ए शहजादी क्या ये बच्ची बीमार थी, अलील थी। ज़ैनब ने पूछा क्या बात है, गसाला ने कहा अगर इसके लिबास को जिस्म से उतार दूं तो लिबास के साथ जिस्म की खाल उतर आएगी। अरे बीबी इसके जिस्म को इसके लिबास को नहीं उतार सकती, इसका कुर्ता खूब भरा है, इसका कुर्ता जिस्म से चिपका हुआ है। ज़ैनब तड़प गई, काए गसाला शिमरे मलून ने इतने ताजियाने मारे, मेरी बच्ची की पुश्त लहूलहान हो गई, लिबास कमर से मातम हुसैन। पंजातन के गुलाम आराम से, पंजातन के गुलाम के
पसीना आया। जनाब ज़ैनब क्या फरमा रही है, समाअत फरमाए हजरात। हाय जल गया मेरी बाची का दामन, खून जारी है कानों से हर दाम। हाय जल गया फरमा हजरात।